हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी व्यवहार का ज्ञान। एक समय की बात है, एक गांव की चार महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं आपस में बातें करने लगीं। वे बातें करते करते इधर उधर की बातें करने के बाद अपने बेटों की तारीफ करने लगीं। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी पढ़कर आया है। वह संस्कृत के विषय में विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुँह जुबान याद रहता है और अब तो वह विश्वविद्यालय में नौकरी भी करता है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है। वह वैज्ञानिक बन गया है और अब देखना, वह सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है। वह शिक्षक बन गया है। दूसरे गांव के विश्वविद्यालय में वह पढ़ाने जाता है। चौथी महिला यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया और उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। यह सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने घरों की ओर चलने लगी। तभी वहां पर पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ सभी महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी महिला का बेटा मिला, वह भी सभी औरतों को नमस्कार करके आगे चला गया। तीसरी महिला का बेटा मिला, उसने भी सभी महिलाओं को नमस्कार किया और घर की ओर चल दिया। आगे चलने के बाद थोड़ी देर में चौथी महिला के बेटे ने जब खेत से अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो दौड़कर आया और उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई, मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। तीनों महिलाएं उसे जाता देखती रहीं क्योंकि उनकी नज़रें झुक गई थी। उनके बेटों ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था जैसा व्यवहार अनपढ़ लड़के ने किया था। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान का होना भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी।